सब्सक्राइब करें कॉमन प्लेटफॉर्म चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करें न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्कार, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुकुंद। आज का वीडियो ये काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि आज हम इस वीडियो में एक मोबाइल को अनबॉक्स करेंगे। कौन से मोबाइल को अनबॉक्स करेंगे? तो जिस मोबाइल को हम अनबॉक्स करेंगे उसका नाम है रेडमी नोट 8 प्रो। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं मेरे हाथ में जो है रेडमी नोट 8 प्रो आ चुका है। तो आज हम इस वीडियो में इसको हम अनबॉक्स करेंगे और देखेंगे कि इसके साथ हमें क्या क्या चीज़ें मिली है और इस मोबाइल में क्या क्या फीचर्स है और इससे आपको क्या क्या बेनिफिट होने वाली है, हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इस मोबाइल का हम लोग अनबॉक्सिंग करके देखते हैं कि इसके साथ हमें क्या क्या चीज़ें मिली है और क्या क्या फीचर्स हमें इसके साथ मिलने वाला है। चलिए फिर हम अनबॉक्स करते हैं। आपके सामने ये पूरी सील पैक है जिस मोबाइल जिसको मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया है। तो चलिए हम इसे अनबॉक्स करके इसमें देखते हैं कि इस मोबाइल के साथ साथ हमें क्या मिला है और इस मोबाइल में हमें किस किस तरह के फ़ीचर्स मिलते हैं, किस तरह की क्वालिटी मिलती है, सब हम इसे देखेंगे। तो चलिए हम इसे पहले ओपन करते हैं। जैसे हम इसे ओपन करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह से इसका बक्सा आता है जिस पे लिखा हुआ है रेडमी नोट 8 प्रो। अगर हम इसे साइड में देखते हैं तो यहाँ पे भी रेडमी नोट 8 प्रो लिखा हुआ है, इधर भी वही चीज़ लिखा हुआ है। तो चलिए हम इसे बैक साइड में देखते हैं। तो देखिए बैक साइड में आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे रेडमी नोट 8 प्रो। अगर इसकी बैक कैमरा की बात करें तो 64 MP अल्ट्रा हाई रिजोल्यूशन कैमरा आपको मिलता है इसके अंदर में और यहाँ पर मीडिया टेक हेलियो G90T हाई परफॉर्मेंस हेलियो G90T यानी कि ये बहुत अच्छा होता है। ये फीचर्स जो गेम खेलते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा है ये फीचर्स। अगर इसके फ्रंट कैमरा की बात करें तो आपको 20 MP AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेल्फी कैमरा मिल जाता है इसके अंदर में। अगर इसकी बैटरी की बात करें तो 4500 mAh का आपको बैटरी मिल जाता है जो काफ़ी अच्छा है। और जो मैंने कलर यहाँ पे ऑर्डर किया था वो शैडो ब्लैक है। इसके अंदर में 8 GB आपको रैम मिलता है और 128 GB आपको इसके अंदर में इंटरनल मेमोरी मिलता है। तो चलिए हम इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए जैसे हम इसे ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें मिल रहा है। तो जैसे हम इसे ओपन करते हैं तो यहाँ पर इस तरह का पैक है, इसे हम सबसे पहले निकालते हैं और इसे हम ओपन करके देखते हैं कि इसके अंदर में क्या है। जैसे हम इसे ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पे सिम कार्ड टूल्स मिल जाता है एक, और जैसे इसको अंदर की तरफ ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पे एक केस मिलता है जो बैक कवर है मोबाइल का। ये काफ़ी अच्छा मुलायम है और काफ़ी अच्छा दिख रहा है ये, और इसको हम साइड में रखते हैं। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे मोबाइल हमारा काफ़ी अच्छे तरह से पैक है और इसको हम इधर रखते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर में और हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ फिर और हम देखते हैं इसके नीचे और क्या मिलता है। तो यहाँ पे आपको एक मेनू कार्ड मिल जाता है और इसके नीचे आपको यहाँ पर मिलता है एक पावर एडाप्टर है और उसके पास एक मिल जाता है आपको USB सपोर्ट केबल मिल जाता है। इसके थ्रू आप अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं और इसी के थ्रू आप अपने मोबाइल के डेटा को किसी लैपटॉप वगैरह में ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। उसके बाद इस बॉक्स में कुछ नहीं मिलता है, उसके बाद ये इतना ही चीज़ें आपको इस मोबाइल के साथ आपके पास आता है। तो चलिए हम मोबाइल को ओपन करते हैं। तो आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छा दिख रहा है मोबाइल, काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है आपको। कलर भी मुझे काफ़ी पसंद है, ये शैडो ब्लैक इसका काफ़ी अच्छा दिख रहा है और इसकी फिनिशिंग वगैरह काफ़ी अच्छी है और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और अगर हम इसकी बात करते हैं बैक साइड पे तो आपको यहाँ पे एक ऑन ऑफ बटन मिल जाता है और इसके ऊपर आपको वॉल्यूम रॉकर्स मिल जाते हैं। और जैसे हम
इस साइड आते हैं तो आपको यहाँ पे दो सिम कार्ड स्लॉट मिल जाता है। एक में तो आप सिंगल सिम लगा सकते हैं, दूसरे में आप एक सिम लगा सकते हैं और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। और इसमें अगर हम नीचे की तरफ बात करें तो आपको यहाँ पे मिल जाता है वॉल्यूम जैकर मिल जाता है आपको यहाँ पे, और यहाँ पे आपको यूएसबी चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है, और यहीं पे आपको स्पीकर ग्रिल मिल जाता है जो काफ़ी अच्छा है, जो काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। अगर इसके बैक साइड की बात करें तो आपको यहाँ पे फिंगर पॉइंट मिल जाता है जिस पे आप क्लिक करके आप अपने लॉक को अनलॉक कर सकते हैं। यहाँ पे तीन कैमरा मिलते हैं आपको, और यहाँ पे आपको फ्रंट कैमरा मिलता है। तो चलिए हम इसे बूस्ट करते हैं और बूस्ट करके देखते हैं कि इसमें हमें किस तरह की चीज़ें मिलती है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसको ओपन करते हैं, और आपको इस पे गोरिल्ला ग्लास मिलता है। सबसे बेहतरीन चीज़ ये देखिए कि आपको फ्रंट पे भी गोरिल्ला ग्लास मिल रहा है और बैक पे भी आपको गोरिल्ला ग्लास मिल रहा है, जो काफ़ी अच्छा है, आप देख पा रहे हैं। तो चलिए मैं हम इसे ओपन करते हैं और चेक करते हैं। चलिए हम इसे ओपन कर रहे हैं, देखते हैं कि ओपन करने के बाद ये हमारे सामने किस तरह का दिखता है। रेडमी नोट 8 प्रो बाई जोमी पावर्ड बाई एंड्रॉयड। चलिए हम इसे आगे करते हैं, नेक्स्ट इंडिया, नेक्स्ट नेक्स्ट। सिम कार्ड इंसर्ट करने के लिए कह रहा है, तो चलिए पहले हम सिम कार्ड इंसर्ट करते हैं। चलिए अब मैं अपने मोबाइल को पूरी तरह से सेट कर चुका हूँ, अब हम इसे यूज करने के लिए रेडी हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो ऑन ऑफ का बटन है, हम इस पर पहले क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करते हैं तो देखिए कितना खूबसूरत इमेज आ रहा है और कितनी अच्छी लुक लग रहा है इसका। तो अगर हम इसमें बैक की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको एक मिल जाता है फिंगरप्रिंट अनलॉक, लॉक और अनलॉक। तो इसको हम जैसे पहले देखिए लॉक है, और इस पर टच करके देखते हैं कि इसका जो फिंगरप्रिंट अनलॉक है ये कैसे वर्क कर रहा है, फास्ट है या स्लो है। तो देखिए जैसे हम इस पर टच करते हैं करेंगे जैसे हम इस पर टच कर रहे हैं तुरंत ओपन हो जा रहा है। देखिए देखिए काफ़ी फास्ट है इसका। इसमें आपको फेस अनलॉक भी मिल जाता है, उसके थ्रू भी आप फेस अनलॉक कर सकते हैं, अपने लॉक को अनलॉक कर सकते हैं फेस के थ्रू, वो भी मिल जाता है। मैंने इसमें सेट नहीं कर रखा है इसलिए मैं वो चीज़ें आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ। और इस काफ़ी स्मूथ चल रहा है ये, आप देख पा रहे हैं। इसको मैंने थोड़ा सा यूज भी किए हैं, उसके बाद मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ एक दो दिन बाद, ताकि आपको पूरी अच्छी तरह से इसका जो भी है एक दो दिन में जो भी आउटपुट आया है उसकी पूरी जानकारी दे पाऊँ। तो ये काफ़ी अच्छा यूज चल रहा है इसको, काफ़ी अच्छा स्मूथ है ये। अगर इसमें कुछ भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर यूट्यूब ओपन कर रहे हैं तो इस तरह से देख पा रहे हैं। और इसमें एक चीज़ मुझे जो काफ़ी अच्छा लगा, यहाँ पे आपको अमेजोन एलेक्सा दिया हुआ है। अमेजोन एलेक्सा के माध्यम से आप, आपके घर में कोई भी स्मार्ट डिवाइस हो, आप उसको कनेक्ट करके आपको यहाँ से आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ गेम वगैरह भी इसमें इनबिल्ट है, और जो पबजी के शौकीन हैं, जो पबजी खेलते हैं, वो इसमें काफ़ी अच्छा तरह से रन कर रहा है, वो भी इसको कर सकते हैं इस फ़ोन के माध्यम से, वो भी पबजी को काफ़ी अच्छी तरह से इंजॉय कर सकते हैं। अगर आप वीडियो के शौकीन हैं तो YouTube का जो वीडियो है वो बहुत ही अच्छा इसमें दिखता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। Getting your business online with कोई एक वीडियो online मैं starter ओपन bundle करता from हूँ, GoDaddy is... आप देखिएगा। जैसे सपोज मेरा एक वीडियो है, मैं इसे ही ओपन कर रहा हूँ, नमस्कार, आप सबों तो का बहुत बहुत इसमें स्वागत है। जो मैं है हूं आपको मुकुल। पिक्चर काफ़ी अच्छा अगर आप आएगा, कोई फॉर्म फिल कर रहे आप ये हैं देख रहे हैं या आपको कोई पूरी ऐसी के पूरा एसडी आ इंफॉर्मेशन रहा है है आपको इसके जिसको अंदर में, आपको स्कैन करना है, पूरा एसडी क्वालिटी का आपको वीडियो शो करेगा यूट्यूब में। अगर यूट्यूब से अगर आप देखते हैं तो ये मोबाइल आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर इसी वीडियो को अगर आप इसी मोबाइल में नेटफ्लिक्स पे
या आप अमेजोन प्राइम पे अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे इसकी जो क्वालिटी है थोड़ी डाउन हो जाती है, जैसे कि मेरे पास प्राइम का है आप देख पा रहे हैं, और इसमें से मैं कोई एक वीडियो प्ले करता हूँ, सपोज यही कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसकी थोड़ी सी क्वालिटी डाउन हो गई है, उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ मतलब YouTube की तरह अच्छा क्वालिटी नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं मतलब इसमें भी कोई इतने भी बुरी क्वालिटी नहीं है, काफ़ी अच्छा सफिशियंट है ये। तो दोस्तों आपने इसमें देखा कि हमें मोबाइल के साथ क्या क्या चीज़ें मिली हैं, अब हम इसमें देखते हैं कि इसका जो बैक कैमरा है और फ्रंट कैमरा है इसकी क्वालिटी कैसी है, तो इसके लिए मैंने कुछ फ़ोटो आप लोगों के लिए क्लिक किया है, तो चलिए हम उसे देखते हैं। ये जो फ़ोटो है दोस्तों मैंने इसे इवनिंग टाइम में क्लिक किया है, जो कि बैक कैमरा के द्वारा लिया गया फ़ोटो है ये, तो आप देख पा रहे हैं कितनी अच्छा और क्लीन फ़ोटो आया है इसका। ये जो फ़ोटो है ये भी मैंने लाइट के बल्ब के प्रकाश पे लिया है, हालांकि ये इवनिंग का ही है ये भी, तो ये भी कितनी क्लीन आया है, तो आप इससे देख सकते हैं कि इसकी फ़ोटो क्वालिटी कितनी अच्छी है। और ये जो फ़ोटो आप देख रहे हैं ये फ़ोटो मैंने दिन में लिया है, जब सन काफ़ी लाइट था, मतलब धूप काफ़ी तेज़ थी उस टाइम मैंने इसे लिया है, तो ये भी फ़ोटो काफ़ी अच्छा और क्लीन आया है, तो आप इस तरह से देख सकते हैं। तो इस तरह से आपके बाद ये जो फ़ोटो आप देख रहे हैं मैंने इससे जो सेल्फ़ी लिया है फ्रंट कैमरा से, तो ये भी फ़ोटो काफ़ी अच्छा आया है, काफ़ी क्लीन और काफ़ी बारीकी से ले रहा है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और इस वीडियो को जितना हो सके आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर लें, ताकि हमारी कोई भी न्यू वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। हमेशा की तरह हमारे चैनल पर आने के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबों का तहे दिल से धन्यवाद।